दोस्तों, हमारी धरती 2021 के शुरुआत से ही कई खतरों से जूझ रही है। कोरोना महामारी का वैश्विक खतरा तो आप जानते हैं, और ऐसे में यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव और भीषण युद्ध के बीच में दुनिया पर परमाणु बम का खतरा भी मंडरा रहा है। दोस्तों, दुनिया पर मंडरा रहे इन खतरों के बीच में एक और खतरा इस दुनिया पर मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आसमानी आफत। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने, नासा ने दावा किया है कि 10 मार्च से पहले एक उल्कापिंड हमारी धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस उल्कापिंड का आकार ही वैज्ञानिकों को सता रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इस उल्कापिंड का आकार 1 किलोमीटर से भी बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका आकार 1.2 किलोमीटर जितना हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, इसकी रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये धरती की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये 27,000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में, अंतरिक्ष में हमारी धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, इस उल्कापिंड का नाम है 2022 DA2। जी हाँ दोस्तों, 2022 DA2 नाम का ये उल्कापिंड, इसके बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, और नासा की ऑफिशियल साइट पर भी इसका आर्टिकल मौजूद है, जिसमें दावा किया गया है कि ये 10 मार्च से पहले हमारी धरती से लगभग 50 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। ऐसे में सोचने वाली और सताने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में खरबों किलोमीटर का फासला तय करके आने वाले इन उल्कापिंड के लिए महज हमारी धरती से सिर्फ और सिर्फ 50 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरना एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है, क्योंकि 50 लाख किलोमीटर इन उल्कापिंड के लिए कोई मायने नहीं रखता है, जो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का डर है कि अगर यह हमारी वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह निश्चित ही हमारी धरती से टकराया जाएगा, क्योंकि इतना बड़े आकार का उल्कापिंड हमारे वायुमंडल के घर्षण से पूरी तरह से जलकर अंतरिक्ष में नष्ट नहीं होगा और धरती से सीधे टकरा जाएगा, और हमारे धरती का ग्रेविटी फोर्स इसे अपनी ओर बड़ी तेजी से आकर्षित करेगा, जिस वजह से इसकी रफ्तार कई गुना तेज होगी, और अगर ये किसी समुद्र में गिरा तो इतनी बड़ी बड़ी सुनामी लहरें उठेगी कि समुद्र के किनारे बसने वाले दुनिया के सभी शहर तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, 2022 DA2 नाम का यह उल्कापिंड इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी का सेंट्री सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम लगातार इस एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रहा है कि ये कहीं हमारी धरती के लिए खतरा हो सकता है या नहीं। अगर इस उल्कापिंड ने हल्की सी भी अपनी दिशा में परिवर्तन किया तो हमारी धरती के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी धरती पर कई बार जीवन पनपा है और नष्ट हुआ है, और हर बार जीवन के नष्ट होने की कहानी इन उल्कापिंड ने ही लिखी है। दोस्तों, हमारे चैनल पर अंतरिक्ष से आने वाले हर खतरे से सीधे अपडेट रहोगे आप, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को